सिरसा में किसानों का धरना आज 39वें दिन भी जारी है। लघु सचिवालय के बाहर ये धरना लगाया जा रहा है। सिरसा में किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर खरीफ चैनल के निर्माण की मांग की जा रही है। 15 गांव के सैकड़ों किसान ये मांग कर रहे हैं। किसानों ने इस विषय में हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दी है। अगर किसानों की मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी मजबूत करेंगे, ऐसा कहना है किसानों का। किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। आज 39 दिन हो गए जी धरने को लगे हुए को। किसान वहीं के वहीं बैठे हैं, ना कोई सरकार कर रही है, ना मंजूर कर रही है, कुछ नहीं कर रही। झूठे आश्वासन दे रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा। तो आगे आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारे नहरे को मान लो पेमेंट पास नहीं करती, पैसे मंजूर नहीं करती, तब तक किसान यहीं धरने पर बैठा रहेगा। अगर कोई ये आचार संहिता लग जाती है या हो रहा है तो हम अपने गाँव में इनको उम्मीदवारों को जो भी है इनको घुसने नहीं देंगे, बीजेपी वालों को बिल्कुल भी। हमारे को आज 39वां दिन हो गया और मुख्य मांगे हमारी 29 तारीख से यही चल रही है कि 2009 में हमने ये प्रस्ताव रखा था और 2014 में ये हमारा प्रस्ताव सिरे चढ़ गया था और 2019 में हमारा पैसा सेंक्शन हो गया था। जो बंबूर माइनर है, बंबूर खरीफ चैनल जो है, उसका 12,26,00,000 रुपया और जो दिकतानिया सेकंड और फर्स्ट है उसका 54,06,00,000 रुपया था। और पैसा सेंक्शन होने के बाद सरकारें हमारे को वोटें हमारे थे जाती रही और हमारे को मीठी गोली देती रही। चाहे सुनीता दुग्गल जी की बात करें, चाहे सिरसा विधायक की बात करें, 2014 में सिरसा विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया था कि आप मेरे को एक बार वोट दे दो, मैं आपको ये जितनी भी नाड़ी का पानी है सारी को नाड़ी का पानी लाऊंगा, उसके बाद आपके गांव में आऊंगा। 2014 चला गया, आगे 2019 का भी इलेक्शन हो गया, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे गांव में यानी कि धन्यवाद दोहरा भी नहीं किया। चाहे सुनीता दुग्गल हो, चाहे सरसा विधायक हो, आज तक हमारे को बस यही आश्वासन दिया गया है कि आपका पानी आ रहा है। और जब भी हम इनके साथ मीटिंगें करने जाते थे तो इन्होंने हमारे आगे बस लड्डुओं का डब्बा ही किया है कि आपकी नाली पास होगी, आपकी नाली पास हो गई है। और आपने कल देखा ही है 200 के करीबन जो ट्रैक्टर थे उन्होंने मार्च निकाला, रोज प्रदर्शन करा कि हमारे को अभी तक भी हम जीरो पे हैं, हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा काम चालू करवाया जाए। मनोहर लाल खट्टर जी से, सीएम साहब से भी हम उनका धन्यवाद कर देंगे अगर वो हमारी नहरें चालू करवा दे। अगर नहरें नहीं चालू करवाते तो हम आगे की रणनीति यानी कि 2-4 दिन में कर देंगे कि हमने बाइकाट करना है या कैसे करना है या इनको गांवों में बढ़ने नहीं देना। यही आप हमारी आगे की रणनीति है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। कल हमने एक ट्रेलर दिखाया है और आगे हमको फिल्म ना दिखानी पड़े, तो सरकार इनको सद्बुद्धि दे और हमारे चैनल चालू कराए। कल डीसी साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? डीसी साहब ने तो अच्छा मैसेज दिया है, आपका काम करवाएंगे जल्दी जल्दी। कल भी मीटिंग हो रही थी इसी बारे में, प्रेजेंट मीटिंग चल रही थी, तो आश्वासन तो दिया है भी करवाएंगे। बाकी ना करवाए तो हमारा भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान होगा।